टेलीविजन के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। अरेस्ट हिम, ये वही सड़क छाप है जिसने मुझे सबके सामने एक और एक उठाने को कहा था। मेरा इस मामले में कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं बैठ के क्या करूँ, मुझे कार में मजबूर। सबसे पहले तो बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अदिति क्या कहना चाहेंगी, मतलब छोटी अम्मी भी आज आपके साथ में है, क्यूट है, एकदम क्यूट सी। बहुत क्यूट है, मेरी छोटी बहुत क्यूट है। मतलब बहुत ही कम मौका मिलता है जब आप दोनों को ऐसे साथ में देखने का मौका मिलता है, क्योंकि हम तो देखते हैं लेकिन शायद फैंस आज पहली बार आप दोनों को देख रहे हैं एक साथ में। यस। और ये जब भी आती है तो इतना प्यार से हग करती है ना, तो फर्स्ट डे से आई थिंक मेरा छोटी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। यस। क्या कहना चाहेंगे आप, इतनी तारीफ कर दी है आपकी तो। यस, मेरी भाई, मेरा बड़ा वर्जन बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है। थैंक यू छोटी, थैंक यू। अदिति वैसे अगर आपकी कैरेक्टर की बात की जाए, अवनी जो आप दोनों ही प्ले कर रही हैं, तो मतलब छोटी अवनी ने तो दर्शकों के दिल में इतनी जगह बना ली है कि कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को पकड़ना, बड़ी अवनी एज अ बड़ी अवनी आप उसे प्ले कर रही हैं, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है ये रोल? बिल्कुल चैलेंजिंग है, बिकॉज अर्शिन ने इतनी अच्छी जगह बना ली है, सब अर्शिन को इतना प्यार करते हैं, तो बस मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपनी तरफ से पूरा अच्छा कर पाऊँ, लोगों को पसंद आए और हमारे भी साथ में सीन्स होते हैं। आपको टिप्स देना चाहेंगे अपनी बड़ी अवनी को? यस प्लीज। यस, मैं सिर्फ यही टिप देना चाहूंगी, कभी हार मत मानना। ओके, डन। ओह माय गॉड। वैसे अगर आज के सीन की अगर बात की जाए, तो कैफे का शूट चल रहा था, कुछ फ्लैशबैक में चली जाती हैं आप, काफी टाइम के बाद आई हैं। एग्जैक्टली क्या कुछ? यस, मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, आई थिंक इतने टाइम के बाद आई हूँ, सब चीज़ें याद आ रही हैं मुझे, अली के साथ जब हम खेलते थे, प्रैंक्स करते थे, यू नो, तो छोटे छोटे, और हमारी जो जगह होती थी वो सेफर जगह और सबसे बेस्ट जगह हमारी चमको थी, हमने बहुत सारे पल चमको के साथ बिताए, बहुत मस्ती की, पर अब वो चमको जब अपनी छोटी थी उसका सपना था कि वो वहाँ पर एक कैफ़े बनाएगी, और अली ने वो बड़े होकर पूरा किया है। Yes. तो ये अपनी का एक सपना जो है कामयाब हुआ है, और वही अपनी बड़ी होकर एंटर हो रही है चमको में, उसे फ्लैशेस बहुत सारी याद आ रही है। तो मतलब ये जो आपने आइडेंटिटी अपनी छुपाई हुई है अली से, ये कितने दिन तक और छुपाने वाली है उसे? जब तक जो मेरा मकसद है मिसेस दयावंती को हराना, जब तक वो पूरा नहीं होता, आई थिंक तब तक तो छुपा के ही रखना पड़ेगा। वैसे लास्ट में क्या कहना चाहेंगी, काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक आ गया है, अब लोग मतलब लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि अब आगे क्या होने वाले, थोड़ा सा बता दे कि शो में अब आगे किस तरह का ड्रामा देखने को मिलेगा लोगों को। आगे शो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मेरी नील की फाइट्स देखने को मिलेगी, अली और मेरी क्या बोलते हैं, लुका छुपी देखने को मिलेगी, और छोटी सी नोक झोंक। यस, और मेरी और दयावंती का आमना सामना होते हुए आप देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, बस देखते रहिए हमारा शो। वैसे आज भी कुछ नोक झोंक हुआ है आई थिंक यहाँ पर कहते में। यस, आज रिया और अली के बीच में काफ़ी जोरदार धमाकेदार नोक झोंक हुई है, तो मैं तो भागना चाहती हूँ, मैं तो वहाँ पर रहना भी नहीं चाहती हूँ, फिर भी मुझे पकड़ के रख लेते हैं वहाँ पर। सो यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये वही सड़क छाप है जिसने मुझे सबके सामने एक और एक उठाने को कहा था। मेरा इस मामले में कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं बैठ के क्या करूँ, मुझे कार में मजबूर।